मनसे प्रणित मराठी कामगार सेना ने चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन में कार्यरत ठेकेदारी कामगारों को लेकर जो आंदोलन किया था उसमें सफलता मिली। मराठी कामगार सेना ने किस संदर्भ में आंदोलन किया था जानते हैं इस खबर से। चंद्रपुर मास्टरिंग विद्युत केंद्र में कार्यरत कंत्राटी कामगारों को कार्यस्थल पर स्मार्टफोन की बंदी के साथ वाहन परवाना की शर्त लगाई गई थी और वही इस संबंध में 1 सितंबर को कंत्राटी कामगारों को वाहन परवाना के लिए मेजर गेट के सामने रोका गया था और इसका बड़ी संख्या में कंत्राटी कामगारों ने विरोध किया। वहीं जब इसकी जानकारी मनसे प्रणित मराठी कामगार सेना के महाराष्ट्र राज्य सचिव सचिन भोयर साथ ही चंद्रपुर जिलाध्यक्ष नितिन भोयर को मिली तो तुरंत वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने चंद्रपुर मास्टरिंग विद्युत केंद्र प्रशासन का विरोध किया और उस दिन भी कुछ घंटों के लिए काम बंद आंदोलन कर CSTPS प्रशासन का तीव्र निषेध किया और उस दिन मनसे प्रणित मराठी कामगार सेना के महाराष्ट्र राज्य सचिव सचिन भोयर तथा जिलाध्यक्ष नितिन भोयर की मध्यस्थी के बाद में इन कंत्राटी कामगारों को काम पर जाने दिया गया और प्रबंधन ने 8 दिनों की मुद्दत बढ़ा कर दी मगर पूर्व नगर सेवक सचिन भोयर ने वाहन परवाना रद्द करें और स्मार्टफोन बंदी हटाएं इस संबंध में CSTPS प्रशासन को 8 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। वहीं एक बार फिर 11 सितंबर को कंत्राटी कामगारों को वाहन परवाने के लिए मेजर गेट के सामने जब रोका गया तब उस समय मनसे प्रणित मराठी कामगार सेना ने वाहन परवाना रद्द करें तथा स्मार्टफोन बंदी हटाएं इसके लिए काम बंद आंदोलन पुकारा और इस काम बंद आंदोलन में बड़ी संख्या में कंत्राटी कामगार सहभागी हुए और प्रशासन के विरोध में जोरदार घोषणाबाजी की और इस मौके पर आंदोलन स्थल पर CSTPS प्रशासन के कुछ अधिकारी पहुंचे और उसके बाद इन मांगों के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के संबंध में सचिन भोयर ने क्या जानकारी दी आप स्वयं सुने उनकी जुबानी। पूर्व महाउष्णिक विद्युत केंद्रात कार्यरत कंत्राटी कामगारांना CTPS प्रशासनाच्या वतीने वाहन परवाना अत्यावश्यक केला होता त्याचबरोबर कंत्राटी कामगारांना स्मार्टफोन बंदी लावण्यात आली। आज याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तर्फे बऱ्याचदा पत्रव्यवहार करून देखील कुठलीही कारवाई होत नव्हती। आज मनसे प्रणित मराठी कामगार सेनेच्या वतीने काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आलं। या काम बंद आंदोलनाचं फलित असं झालं की चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात कंत्राटी कामगारांना लावण्यात आलेला वाहन परवाना अट रद्द करण्यात आली त्याऐवजी एक वाहनाची माहिती देणारा नॉमिनल फॉर्म भरून घेतला जाईल। त्याचबरोबर पुढील निर्णय होतपर्यंत स्मार्टफोन बंदी याला स्थगिती देण्यात आली। संपूर्ण कामगारांनी एकजुटीने जो काम बंद आंदोलन करून लढा लढला त्याचं हे फलित स्वरूप आज कामगारांना मिळालेलं आहे। यापुढेही मनसे प्रणित मराठी कामगार सेना कामगारांच्या प्रश्नाविषयी अशाच जागरूकतेने आंदोलन करेल आणि प्रशासनाला धारेवर धरत कामगारांच्या हितार्थ निर्णय घेण्याकरता भाग पाडेल। इस मौके पर मराठी कामगार सेना यूनिट के पदाधिकारी गजानन जवादे मंगेश चौधरी सुशील जगने विजय केलझलकर तथा संगठना के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।